चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और यूटीवी मोशन पिक्चर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के साथ निकितिन धीर, सत्यराज, कामिनी कौशल और लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म एक अमीर आदमी राहुल मिठाई वाला के इर्द गिर्द घूमती है जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और एक प्रभावशाली डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वरम तक की यात्रा करता है। खान और शेट्टी के बीच पहला नियोजित सहयोग अंगूर 1982 का रीमेक था। इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को चुना गया जो शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखी गई थी। व्यावसायिक रोमांस के रूप में कल्पना की गई इस फिल्म का मूल नाम रेडी स्टेडी पो था। फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा तैयार किया गया था। यूटीवी मोशन पिक्चर स्वदेश 2004 के बाद खान के साथ अपना पहला सक्रिय प्रोजेक्ट बनाते हुए निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आया। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को विदेशी बाजारों में और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घरेलू स्तर पर 1 रुपी बिलियन 17 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 7 सेंट्स मिलियन की कमाई करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। यह फिल्म उस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए 3 इडियट्स 2009 से आगे निकल गई। 5-9 फिल्म फेयर पुरस्कारों में चेन्नई एक्सप्रेस को 7 नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण शामिल है। कथानक राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाले 40 वर्षीय अमीर कुंवारे हैं जिनके पिता और माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु से उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। राहुल के दादा वाई मिठाई वाला एक व्यवसायी है जो कन्फेक्शनरी दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक है। वाई के 10 जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बामन ने उसे गोवा में छुट्टियों के लिए आमंत्रित किया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न की पूर्व संध्या पर वाई की मृत्यु हो जाती है जब वह टीवी पर एक क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देखता है। वाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि वाई चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे को रामेश्वरम में विसर्जित किया जाए। वह राहुल से अस्थियों को रामेश्वरम ले जाकर बिखेरने के लिए कहती है। अनिच्छा से वह उसके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और बामन ने राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाई लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करता है और रास्ते में कल्याण जंक्शन स्टेशन पर बॉबी और बामन से मिलने की योजना बनाता है। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है और जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। जैसे ही राहुल ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है वह देखता है कि एक युवती उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है। वह उसे और 4 लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है लेकिन उसके उतरने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि 4 लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने उसे अपना मोबाइल फोन उधार दिया ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं कहते क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे निरीक्षक को एक पुल के नीचे एक नदी में धक्का दे देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि 4 आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीनालोचनी, मीनम्मा, अजहगु सुंदरम है। वह तांगाबल्ली नाम के डॉन से जबरन शादी करने के बाद भाग रही है। मीनम्मा के पिता दुर्गेश्वर दुर्गेश अजहगु सुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार है। खान और शेट्टी के बीच पहला नियोजित सहयोग अंगूर 1982 का रीमेक था। इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को चुना गया जो शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखी गई थी। व्यावसायिक रोमांस के रूप में कल्पना की गई इस फिल्म का मूल नाम रेडी स्टेडी पो था। फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा तैयार किया गया था।
यूटीवी मोशन पिक्चर स्वदेश 2004 के बाद खान के साथ अपना पहला सक्रिय प्रोजेक्ट बनाते हुए निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आया। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को विदेशी बाजारों में और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घरेलू स्तर पर 1 रुपी बिलियन 17 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 7 सेंट्स मिलियन की कमाई करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। यह फिल्म उस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए 3 इडियट्स 2009 से आगे निकल गई। 5-9 फिल्म फेयर पुरस्कारों में चेन्नई एक्सप्रेस को 7 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण शामिल है। कथानक राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाले 40 वर्षीय अमीर कुवारे हैं, जिनके पिता और माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु से उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। राहुल के दादा YY मिठाई वाला एक व्यवसायी हैं जो कन्फेक्शनरी दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक हैं। YY के 100 जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बामन ने उसे गोवा में छुट्टियों के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न की पूर्व संध्या पर YY की मृत्यु हो जाती है, जब वह टीवी पर एक क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देखता है। YY के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि YY चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे को रामेश्वरम में विसर्जित किया जाए। वह राहुल से अस्थियों को रामेश्वरम ले जाकर बिखेरने के लिए कहती है। अनिच्छा से वह उसके अनुरोध को स्वीकार करता है, लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और बामन ने राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है, जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करता है और रास्ते में कल्याण जंक्शन स्टेशन पर बॉबी और बामन से मिलने की योजना बनाता है। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है और जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। जैसे ही राहुल ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है, वह देखता है कि एक युवती उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है। वह उसे और 4 लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसके उतरने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि 4 लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने उसे अपना मोबाइल फोन उधार दिया ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वे निरीक्षक को एक पुल के नीचे एक नदी में धक्का दे देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि 4 आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीनालोचनी मीनम्मा अजहगु सुंदरम है। वह तांगाबल्ली नाम के डॉन से जबरन शादी करने के बाद भाग रही है। मीनम्मा के पिता दुर्गेश्वर दुर्गेश अजहगु सुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार है। खान स्क्रिप्ट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे। मुख्य नायिका की कास्टिंग बहुत प्रेस अटकलों का विषय थी, करीना कपूर असिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वह इस भूमिका के लिए एक स्थापित अभिनेत्री को लेने जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में ये पुष्टि की गई कि दीपिका पादुकोण को खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका और खान की शूटिंग की तस्वीरें जारी की गई। खान के साथ ये पादुकोण की दूसरी फिल्म थी, जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। महिला दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म से शुरुआत करते हुए खान चाहते थे कि क्रेडिट में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके नाम से ऊपर हो। सत्यराज को बॉलीवुड में पदार्पण करते हुए पादुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री प्रियामणि को जनवरी 2013 में नयनतारा की जगह फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। दोनों अभिनेत्रियां अंततः जवान में खान के साथ अभिनय करेगी। दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियां छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती है। फिल्म का नाम शुरू में रेडी स्टेडी पो रखा गया था, हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल किए गए नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस नाम दिया गया था। फिल्मांकन और पोस्ट प्रोडक्शन परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ। अतिरिक्त फिल्मांकन न्यूनतम क्रू के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया। मुख्य अभिनेता की तस्वीरें अनौपचारिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी की गई।
नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहां सेट दृश्यों का फिल्मांकन शुरू करने के लिए गोवा गए। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन को कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित किया गया था। दूधसागर जलप्रपात के बगल से गुजरने वाली ट्रेन पर एक रोमांटिक दृश्य भी फिल्माया गया। दिसंबर 2012 में क्रू कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया। पंबन ब्रिज, जिसे नई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के मनपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है, ये तेरा रास्ता छोड़ू ना गाने का दृश्य था। जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी, लेकिन चुनकी खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है, तो कला निर्देशक नरेंद्र रोहरिकर द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में ऊटी के कई स्थानों का पुनर्निर्माण किया गया। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन से अधिक का समय लगा। वाई में फिल्मांकन में मार्च 2013 का पूरा महीना लगा। केरल के मुन्नार में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवीकुलम झील, मीसापुलिमला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणामस्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मई 2013 में उत्तरी गोवा में दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी कर ली। खान अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद हैं, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मोरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया था। इसे यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। संगीत मुख्य लेख चेन्नई एक्सप्रेस साउंडट्रैक। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचा गया था। गाने विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो यो हनी सिंह द्वारा लिखे गए थे। गानों की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई। ट्रैक रेडी स्टेडी पो नवंबर 2012 में संगीत के संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट थे। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एस पी बाला सुब्रमण्यम ने फिल्म के लिए शीर्षक ट्रैक रिकॉर्ड किया, जिससे 15 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी हुई। उन्होंने कहा कि यह गाना एकजुटता की भावना का जश्न मनाता है। प्रारंभ में बाला सुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और मुख्य भूमिका के कारण उन्होंने गाना चुना। गाना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रमोशनल सिंगल के रूप में जारी किया गया था। द 27 जून 2013 को तितली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और द 11 जुलाई 2013 को कश्मीर में तू कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। द 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने YouTube पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया, हनी सिंह द्वारा गाया गया। फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में गाने का शीर्षक लुंगी डांस द थलाइव आर ट्रिब्यूट था। द 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था। म्यूजिक एल्बम द 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। रिलीज फिल्म का भारत में द 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ पूर्वावलोकन किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया जाना था। पेरू में यह भारत की तरह एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मोरक्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इजराइल में भी रिलीज किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत कार्यदिवस शो के दौरान सामान्य टैरिफ से 40% और सप्ताहांत पर 20% तक बढ़ गई थी। हालांकि यह वृद्धि सभी मल्टीप्लेक्सों में समान रूप से लागू नहीं की गई थी। यह फिल्म भारत में 2,550 सिनेमाघरों में 3,550 स्क्रीनों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीनों पर रिलीज हुई, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीन, यूनाइटेड किंगडम में 175 स्क्रीन, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीन शामिल हैं। यह अब तक की सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज है। बिंदु विपणन चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक द 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। एस पी बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया 31 सेकंड का शीर्षक ट्रैक टीजर द 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर द 13 जून 2013 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसे YouTube पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। फिल्म में खान और पदुकोण द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की गई, बिक्री से प्राप्त आय एक चैरिटी को दान कर दी गई। नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई। स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो सिनबॉक्स द्वारा विकसित एक कराओके ऐप द 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉइड और iOS आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था।
खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला एक इश्क एक जुनून, डीआईडी सुपर मॉम्स, झलक दिखला जा 6 और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। द ज़ीटगेस्ट गूगल के साल के अंत में सर्वाधिक बार खोजी जाने वाली क्वेरी का संकलन चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग विषय बताया गया। फिल्म के सैटेलाइट टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को 480 रुपीज मिलियन में बेचे गए। ये समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा। यदि चेन्नई एक्सप्रेस ने 1 रुपी 30 पैसे बिलियन $22 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 19 सेंट्स मिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया, तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक 100 रुपीज मिलियन के लिए निर्माताओं को अतिरिक्त 20 रुपीज मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने देखा था, जो उच्चतम रेटिंग वाले फिक्शन शो से लगभग दोगुना था। इसने अपने प्रसारक जी टीवी को उस महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों के बीच शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की। कानूनी मुद्दों वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ साथ चेन्नई एक्सप्रेस को शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों ने छोड़ दिया था, क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी। रिलीज की तारीखें क्रमशः 15 और 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिल्मांकन के अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धूम बांध से बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के कारण मुसीबत में पड़ गई। राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री पतनराव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलता जुलता है। पादुकोण ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की नकल नहीं करती है और उनके सहित अधिकांश क्रू दक्षिण भारतीय है। बाद में उन्होंने कहा, हम अपनी संस्कृति का अपमान क्यों करेंगे। द 31st of July 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म शाखा ने फिल्म के प्रीमियर को बाधित करने की धमकी दी। कथित तौर पर इसने सिनेमाघरों से चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को हटाने का प्रयास किया, जो एक समय में केवल एक ही फिल्म दिखाते हैं। पार्टी उन रिपोर्टों से परेशान थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी, जहां सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013-19 जुलाई से लोकप्रिय थी। द 1st of August 2013 को दोनों फिल्म निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय जाधव को राज ठाकरे ने समाधान खोजने के लिए बुलाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी को राज्य भर के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से नहीं हटाया गया, तो मनसे महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर आपत्ति नहीं करेगी। चेन्नई एक्सप्रेस 10 भाषाओं में रिलीज हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता भारत बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की छाप है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन की तलाश करते हैं और फिल्म अपने आसपास के प्रचार और हंगामे पर खरी उतरती है। फिल्मफेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म हास्यप्रद सेटों और रंगीन स्थानों और गानों से भरपूर है। शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्में बनाते हैं और यह इस फिल्म का सही वर्णन है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, नाटकीय तत्वों और कथा की बहुपक्षीय आलोचना में शामिल होने की योजना, यह फिल्म मजेदार हो सकती है। डीएनए की सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, ये सभी हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए एक सौगात है। इसमें वे सभी सामग्रियां हैं जिनकी आप एक बड़ी व्यावसायिक मसाला फिल्म से अपेक्षा करते हैं। बड़ी स्टार कास्ट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, गाने, कार का पीछा करना और बड़ी समाप्ति, सभी शेट्टी की अप्राप्य शैली में पेश किए गए। कुल मिलाकर ये एक बबलगम ब्लॉकबस्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस एक शानदार फिल्म है। अपने स्वयं के सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला या बोल बच्चन पढ़ें। निर्देशक रोहित शेट्टी, जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है बॉलीवुड का 100 करोड़ क्लब, उनकी ईद की पेशकश के पैमाने को बढ़ाता है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि एसआरके और दीपिका का पूरे दिल से उत्साह और मजेदार वन लाइनर्स का निरंतर प्रवाह शेट्टी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है, जिससे चेन्नई एक्सप्रेस पूरी तरह से बन जाती है मसाला फिल्म पर, जो अपने इरादों के बारे में पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी नहीं है और यही इसकी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्वाइंट है। जी न्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई साधारण बातों, स्क्रिप्ट में पंच की कमी और पूर्वानुमेयता को नजरअंदाज करता है, तो वह व्यक्ति चेन्नई एक्सप्रेस के साथ मजेदार यात्रा के लिए तैयार है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 3 स्टार दिए। सबसे पहले अच्छी खबर, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हिस्सों में एक सुखद और पसंद की जाने वाली फिल्म है। बुरी खबर यह है कि यह शाहरुख खान की अदम्य स्टार पावर के लिए कुछ नहीं करती, सिवाय ये बताने के कि वह अभी भी अभिनय कर सकते हैं। 40 साल का बूढ़ा राहुल बिना लड़खड़ाए
इंडिया टीवी के अभिषेक गुप्ता ने इसे 2.5 स्टार दिए और लिखा, आज के सिनेमा में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को शायद ही कभी समान मनोरंजन के साथ परोसा जाता है। हम रोहित शेट्टी को उनके सामूहिक अवकाश के लिए देखते हैं जिसमें अज्ञात कोनों से फर्राटा भरती कारें और कॉमेडी शामिल है। ये थप्पड़ है लेकिन काम करता है। आलोचक भरद्वाज रंगर ने लिखा, फिर भी सामग्री को देखते हुए शेट्टी गलत से ज्यादा सही करते हैं। शेट्टी ने शाहरुख खान की एक शोरील बनाई है, उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों से कुछ अंश उधार लिए हैं और हमें स्टार का एक उन्मुक्त अवतार दिया है जो स्टार के पास खुद है। हाल ही में गले लगाने में कुछ हद तक शर्म आ रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभरा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म वास्तव में कुछ मजेदार क्षणों के साथ आती है। उन्होंने पादुकोण के लुक की सराहना की, हालांकि उन्होंने उनके स्टेज क्राफ्ट कौशल के पहलुओं की आलोचना की। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ लोगों को हंसाती है लेकिन अन्यथा ये ट्रैक को ड्रोल कॉमेडी से भयानक ड्रामा में बदलने का फैसला करती है। डेक्कन क्रॉनिकल के खालिद मोहम्मद ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए और लिखा, अपने जोखिम पर चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़े। CNN-IBN के राजीव मसंद ने फिल्म को 2/5 रेटिंग दी और कहा कि फिल्म बड़ी मोटी थी। उन्होंने टिप्पणी की कि चेन्नई एक्सप्रेस एक फूला हुआ वैनिटी प्रोजेक्ट था और उन्हें लगा कि मुख्य अभिनेता बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, चेन्नई एक्सप्रेस न तो रोहित की खूबियों से मेल खाती है और न ही शाहरुख की। ये घटिया हास्य, आधे अधूरे रोमांस, आधे अधूरे जज्बात और सिर पीटने वाले एक्शन का एक अजीब सा गंदा मिश्रण है। फिल्म विशाल पुरुषों से भरी है जिनका आकार एक पंच लाइन के रूप में कार्य करता है। दैनिक भास्कर के मयंक शेखर ने इसे 5 में से 1 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, आपने टिकट के लिए भुगतान कर दिया है, हाँ अब बस आराम से बैठो और कष्ट सहो। Rediff के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, शाहरुख खान चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नुकीले दांत दिखाते हैं और मुंह फुलाते हैं और खैर हर कदम पर खुद को अत्यधिक थका देते हैं, बावजूद इसके कि फिल्म में कोई भी इस टेम्पलेट का पालन नहीं करता है। क्वोट प्रवासी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्स ने लिखा, चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई वाइन और स्वादिष्ट एपेटाइजर के साथ एक शानदार भोजन जैसा लगता है लेकिन एक खराब मुख्य कोर्स है। इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारों पर पैसे और दृश्य देखभाल की भरपूर व्यवस्था की गई है। सगाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। लेकिन फिल्म अपने 2 घंटे और 20 मिनट के अधिकांश समय में कॉमेडी और किरदारों को एक अत्यधिक अतिरंजित कहानी में खोजती रहती है। अमीरा 24/7 की स्नेहा में फ्रांसिस ने लिखा, रोहित शेट्टी की रोमांस की शैली काफी हद तक मस्खरेपन पर निर्भर करती है और मुख्य रूप से शाहरुख खान के वफादारों द्वारा इसकी सराहना की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, रोहित की कार्निवल जैसी कॉमेडी कुछ लोगों को हंसाती है लेकिन आपको थका सकती है। स्नेहा ने कहा कि पादुकोण का प्रदर्शन खान से फीका है। वैरायटी के रोनी स्कीब ने लिखा, इस अत्यधिक काम वाली कॉमेडी रोमांस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की बराबरी नहीं की जा सकती। शेट्टी की अपने पात्रों की रोमांटिक वीरता को बनाए रखने की जरूरत लगातार उनकी हास्यास्पदता के उनके चित्रण के खिलाफ है। स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साइमन फोस्टर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे रोहित शेट्टी के बहुत व्यापक निर्देशन ब्रश से एक जोरदार कमजोर दिमाग वाली रोमांटिक कॉमेडी के रूप में वर्णित किया। SRK का अति प्रचारित वाहन करिश्माए लेकिन उम्र बढ़ने को देखता है अभिनेता बुरी तरह से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया और आसानी से अपनी अग्रणी महिला दीपिका पादुकोण पर हावी हो गया। बॉक्स ऑफिस ये भी देखें, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की सूची। उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जब इसने 3961 INR 67 US$58 मिलियन का कलेक्शन किया। ये वर्तमान में दुनिया भर में 18वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म की कमाई ने थ्री इडियट्स द्वारा निर्धारित 3921 INR 66 US$90 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 4231 INR 72 US$31 मिलियन थी। भारत बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रीव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी संस्करण ने 67 रुपीज 50 पैसे मिलियन का कलेक्शन किया जो कि थ्री इडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 292 रुपीज 50 पैसे मिलियन का कलेक्शन किया जिससे यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्रमशः 264 रुपीज 30 पैसे मिलियन 4 US$51 मिलियन और 292 रुपीज 10 पैसे मिलियन 4 US$98 मिलियन और 870 रुपीज 80 पैसे मिलियन भुगतान पूर्वावलोकन सहित 938 रुपीज 30 पैसे मिलियन का कलेक्शन किया। ये जवानी है दीवानी द्वारा बनाया गया पिछला सप्ताहांत रिकॉर्ड।
चेन्नई एक्सप्रेस ने 3 दिवसीय सप्ताहांत में 1.59 रुपए बिलियन 27 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 13 सेंट्स मिलियन की कमाई करके दुनिया भर में शुरुआती कमाई का एक और रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 रुपए मिलियन 2 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 5 सेंट्स मिलियन से अधिक का कलेक्शन किया। इसने अपने पहले मंगलवार को 115 रुपए मिलियन 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड 96 सेंट्स मिलियन की कमाई की, जो भारत में शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने बुधवार को 125 रुपए 60 पैसे मिलियन 2 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 14 सेंट्स मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि फिल्म ने गुरुवार को 190 रुपए मिलियन 3 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 24 सेंट्स मिलियन की कुल कमाई की, जिससे पहले सप्ताह में कुल कमाई भुगतान पूर्वावलोकन सहित 1.461 रुपए 50 बिलियन 24 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 93 सेंट्स मिलियन हो गई, जिसने एक था टाइगर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले 7 दिनों में इसकी दुनिया भर में कमाई 2.50 रुपए बिलियन 42 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 66 सेंट्स मिलियन थी। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 237 रुपए 50 पैसे मिलियन 4 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 5 सेंट्स मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे कुल घरेलू कमाई 1.68 रुपए बिलियन 28 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 67 सेंट्स मिलियन हो गई और दुनिया भर में कमाई के साथ 10 दिनों में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई। 3.14 रुपए बिलियन 53 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 59 सेंट्स मिलियन। फिल्म ने 2 सप्ताह में 1.85 रुपए बिलियन 31 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 57 सेंट्स मिलियन की कमाई की और घरेलू बाजार में अपने तीसरे सप्ताहांत के बाद 1.94 रुपए बिलियन 33 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 11 सेंट्स मिलियन की कमाई की। इसने अपने तीसरे सप्ताह में 160 रुपए मिलियन 2 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 73 सेंट्स मिलियन की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई 2.75 रुपए बिलियन 34 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 13 सेंट्स मिलियन हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस ने अपने 4th सप्ताहांत में 3 इडियट्स द्वारा निर्धारित घरेलू नेट रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 4th सप्ताह में लगभग 57 रुपए 40 पैसे मिलियन 979,558 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स 0.96 जोड़ा, जिससे कुल कमाई 2.06 रुपए बिलियन 35 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 15 सेंट्स मिलियन हो गई। फिल्म ने अपने 6th सप्ताह में 3.50 रुपए मिलियन 59,729 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 20 सेंट्स का कलेक्शन किया, जो कुल मिलाकर 2.08 रुपए 0.25 बिलियन 35 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 50 सेंट्स मिलियन था। फिल्म की आजीवन घरेलू वितरक हिस्सेदारी 1.15 रुपए बिलियन 19 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 63 सेंट्स मिलियन है, जिसने एक था टाइगर के 1.07 रुपए बिलियन 18 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 26 सेंट्स मिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्रवासी चेन्नई एक्सप्रेस ने भी विदेशी रिकॉर्ड तोड़े। यूके में पेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन से अधिक कमाई की। फिल्म ने विदेशी क्षेत्रों में शुरुआती सप्ताहांत के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 504 रुपए 70 पैसे मिलियन 8 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 61 सेंट्स मिलियन की कमाई हुई, जिसमें US $2.22 मिलियन UAED $7.73 मिलियन और UK £934,118 के प्रमुख बाजारों से रिकॉर्ड कलेक्शन शामिल है। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में शुरुआती सप्ताहांत में 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करके एक रिकॉर्ड बनाया। ये पाकिस्तान में भी सफल रही, जहां इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 18.4 मिलियन 2021 में 94 मिलियन रुपए या US$320,000 के बराबर। The 18th of August तक फिल्म ने करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करके कराची में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 40,140,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। फिल्म ने विदेशी बाजारों में केवल 9 दिनों में 720 रुपए मिलियन 12 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड 29 सेंट्स मिलियन की कमाई की। दूसरे सप्ताहांत तक इसने लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में अपने तीसरे सप्ताहांत तक लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4th सप्ताहांत तक 16.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 5वें सप्ताहांत तक फिल्म ने विदेशों में लगभग 17.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। अपने 6वें सप्ताहांत में भी इसकी कमाई जारी रही, जिससे इसकी कुल कमाई 17.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।